Today we will learn about squares and square root of a number. Okay, squares and square root of a number. So basically when you hear the word square, square का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक चीज़ को दो बार करना उसको स्क्वायर, मतलब क्वाड्रिलेटरल में आप लोग को पता था क्या, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल हो गया, ये एक स्क्वायर है, लेकिन नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, बट इन नंबर स्क्वायर वी हैव डिफरेंट थिंग। सो स्क्वायर, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर, ओके रिमेंबर दैट, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सपोज एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एन एक नेचुरल नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ एन इज इक्वल टू, सो स्क्वायर ऑफ एन इज इक्वल टू एम, देन एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, सो यहां जो टू लिखा हुआ है, दिस डिनोट्स, ठीक है, दिस डिनोट्स द स्क्वायर, ओके, ऑफ द नंबर, ओके, दिस डिनोट्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर। सो एम यदि एक नंबर है, सपोज एग्जाम्पल ले लो, एन एक नेचुरल नंबर सपोज थ्री है, ठीक है, सो जो एम क्या स्क्वायर ऑफ एन कितना होगा, थ्री इंटू थ्री, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, थ्री टू द पावर टू, टू द पावर टू, ठीक है, इसको बोलना ऐसा है कि थ्री टू द पावर टू, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, नाइन। सो नाइन इज द स्क्वायर ऑफ थ्री, ठीक है, सो यू हैव टू से, दो तीन वे हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थ्री का स्क्वायर नाइन है, नहीं तो नाइन थ्री का स्क्वायर है, नहीं तो थ्री टू द पावर टू क्या होता है, नाइन है। सो दे आर डिफरेंट वे टू से दोज थिंग्स, बट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैथमेटिक्स है उसके पीछे वो सेम ही रहता है, कि थ्री को दो बार आप इंटू करोगे तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, वो लिखते कैसे हैं, थ्री टू द पावर टू जो लिखा हुआ है ऊपर, जो छोटा सा टू लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्री टू द पावर टू, जो कि हम लोग को नाइन आता है, ठीक है। अब जो आप लोग ऐसे देखो कि अब जब वन से शुरू करूँ, वन से, ठीक है, वन का स्क्वायर कितना आएगा, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर कितना आएगा, टू इंटू टू कितना, फोर, थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, थ्री इंटू थ्री दैट्स नाइन, फोर का स्क्वायर कितना आएगा, फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन, सो ऑन आप कितने भी नंबर तक जा सकते हो, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर तक जा सकते हो, तो ये कितना आएगा, हंड्रेड। सो ये मैंने टेंथ तक लिखा हुआ है, ठीक है, टेंथ तक, वो बीच में भी नहीं लिखा है, टेंथ तक लिखा हुआ। सो ये जो नंबर्स हैं यहाँ, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स टेन तक जो नंबर हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ओके नंबर। लेकिन इस तरफ जो वैल्यू निकला है, सो दिस नंबर्स, ओके ये जो नंबर्स निकले हैं जो कि फोर नाइन सिक्सटीन, ठीक है, अप टू टेन तक आने से हंड्रेड आ जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स का बस नाम ही है, कुछ स्पेशल ज़्यादा है नहीं, कि टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, फोर इज द स्क्वायर नंबर, ठीक है, सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द स्क्वायर नंबर, जस्ट अ नेम, डोंट हैव टू बी बीटिंग योर सेल्फ टू व्हाट इज स्क्वायर नंबर और ये, ठीक। उसके बाद दूसरा है, स्क्वायर नंबर के बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर आप 1 × 1 करो तो 1 आता है, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 × 2 करो तो कितना है? 4 आता है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट, अब तक आप लोग इतना पता चल गया होगा कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, सपोज आप आगे का नंबर लो, 10 तक क्यों लो, 12 लो, तो 12 का जो स्क्वायर है ये है नंबर, एक्चुअली में ये है नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो 2 है यहाँ, ये क्या है? पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, अब जब आगे आप लोग करोगे तो 12 × 12 ये कितना आएगा? 144, ठीक है, 144। समझ आ गया? 144। सो ये आपको नॉमिन मतलब कैसे बोलना है, क्या एक्चुअली में ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि आपको कि क्या एक्चुअली में स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सो देखो बेसिकली स्क्वायर का मतलब है कि दो नंबर, एक नंबर को दो बार खुद से ही मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको यदि मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट है तो आपको स्क्वायर नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो आगे देखिए, सपोज 20 लिया, ठीक है, 20। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्क्वायर नंबर ऑफ 20, क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, देखो 20 है तो 20 to the power 2, ठीक है, तो 20 को दो बार इंटू करो तो ये कितना आ जाएगा? 400। सो 400 इज द स्क्वायर नंबर ऑफ 20। समझ आया? तो 400 इज द स्क्वायर नंबर ऑफ 20, 20 इज द नेचुरल नंबर, द 2 हियर रिटन इज द पावर दैट इज स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, स्क्वायर नंबर, एम एन का वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है। थैंक यू।